स्वागत है आपका लाइट्स कैमरा कास्ट के एक और एपिसोड में। आज बात है 200 हल्ला हो, नई मूवी आ रही है, जल्द ही 20 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है। तो ये मूवी है दलित महिलाओं की लड़ाई के बारे में, कैसे उन्होंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, कैसे उन्होंने जातिवादी यौन हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाई और बड़ा संघर्ष करा, कैसे प्रशासन ने उन पर उत्पीड़न किया फिर भी यौन हिंसा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। आपको बता दें ट्रेलर रिलीज हो गया है और ट्रेलर रिलीज होने से पता चला है कि इसकी मेन एक्ट्रेस है सैराट, मूवी की मशहूर एक्ट्रेस रिंकू राजगुरु इसमें एक प्रमुख रोल निभा रही हैं, जो कि खुद उनको दलित कम्युनिटी से ही दिखाया है। आपको ट्रेलर के बारे में बता दें कि ट्रेलर लॉन्च से ये पता चला है कि मूवी में जो लड़ाई लड़ी है 200 महिलाओं की लड़ाई एक असली कहानी पर आधारित है। इसमें महिला एक ऐसे बलात्कारी के खिलाफ लड़ती हैं जो 15 साल से उनके मोहल्ले में उन पे शोषण कर रहा है, मोलेस्टेशन और रेप के केसेस के वजह से वो जो इतना अपराधी है फिर भी प्रशासन बलात्कारी का साइड लेता है, पुलिस भी, और उसके बावजूद कैसे वो लड़ाई लड़ती हैं। और जो सच्ची कहानी है वो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये है कि कैसे 200 महिलाओं ने न्याय ना लड़ने पर 200 दलित महिलाएं कोर्ट में घुस गई और बलात्कारी को मारा। ये सच्ची कहानी ऐसी थी। अब देखते हैं फिल्म में कैसा दिखाया वो देखेंगे, पर ट्रेलर के बारे में दो इंटरेस्टिंग बातें हैं जो जाति से जुड़ी हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बात है कि हिंदी मूवी में बहुत कम होता है पर इसमें दिखाया है डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा है, प्रतीकात्मक रूप से दिखाई है उस बस्ती में। और साथ ही में रिंकू राजगुरु जो किरदार निभा रही हैं उनका एक डायलॉग है कि जाति की बात कैसे ना करूँ जबकि ये समाज पल पल हर पल हमारी औकात दिखाता है, ऐसा डायलॉग भी है ट्रेलर में। और आपको उनके कैरेक्टर के बारे में जो है उनका किरदार है मूवी में उसकी इंटरेस्टिंग बात है, उनका नाम आशा है, होप आशा की किरण है और वैसा ही है। उन्होंने कई मीडिया वालों को बताया है कि उनका कैरेक्टर वैसा नहीं है जैसे पहले हिंदी मूवीज़ में दलित किरदार को निर्बल सा कमज़ोर सा दिखाया जाता था, एकदम आशावादी एडुकेटेड कैरेक्टर है और कैसे आग बबूला है उनके अंदर, आग इतनी है कि वो पूरे समाज को अपनी पूरी कम्युनिटी को संगठित करती हैं और लड़ाई लड़ती हैं। तो उनका कैरेक्टर उनके हिसाब से काफ़ी अलग है, जो पहले पूर्वाग्रह युक्त हिंदी मूवी रही है उनसे काफ़ी अलग है इस मूवी में, ये उनका खुद का कहना है। तो यहाँ पे ये दिलचस्प बात ज़रूर उठेगी जैसी मूवी आएंगे हम जब क्रिटिकली एनालाइज करेंगे रिव्यू करेंगे तो ये ज़रूर देखना है, क्योंकि जो फिल्म का डायरेक्टर है वो सार्थक दासगुप्ता जो कि खुद सवर्ण है, तो कैसे ये मूवी क्या एक्चुअली दलित किरदारों के ऊपर है कि क्या दलित किरदारों की लड़ाई उनको कैसा दिखाया है, शोषित दिखाया है कि योद्धापूर्ण दिखाया है, वो ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आर्टिकल 15 एक मूवी वो भी जाति पर आधारित थी पर उसमें ब्राह्मण किरदार सबसे मेन था, आईपीएस ऑफिसर, वो न्याय की लड़ाई लड़ता है दलित समाज के लोगों के, दलित समाज की लड़कियों के लिए, तो उसका मेन किरदार एक जैसे उसको सेवियर कॉम्प्लेक्स हिंदी में कहते हैं, जैसे मसीहा बना दिया ब्राह्मण सवर्णों को दलितों का, वो ना हो जैसे आर्टिकल 15 में हुआ था। तो इस मूवी में हम ये जरूर देखेंगे इसमें ऐसा होगा कि नहीं, वो कंपैरिजन देखा जाएगा कि किसमें क्या, कहीं केवल सवर्णों के घड़ियाली आंसू तो नहीं इसमें दलित समाज के खिलाफ, वो देखना ज़रूर रहेगा। अभी ट्रेलर से इतना नहीं पता चल पा रहा है पर जैसी मूवी रिलीज़ होगी हम उस पर भी वीडियो ज़रूर करेंगे। हम आशा करते हैं कि ये थोड़ा बदलाव लाए अगर मूवी एक्चुअली जैसे तमिल सिनेमा में असुरन, कर्णन, सरपट्टा जैसी मूवीज़ जिसमें केवल ऐसा निर्बल सा कमज़ोर सा कैरेक्टर नहीं दिखाया बहुजन समाज का, एक योद्धा के रूप में दिखाया जो ब्राह्मणवादियों से लड़ता है, तो हिंदी फिल्मों में भी ये शायद एटलीस्ट लैंडमार्क या मील का पत्थर ना हो चाहिए फिल्म, पर कुछ बेहतर ज़रूर हो पहली जो इससे पिक्चरें आई हैं। और अंत में ये बता दें इसके हमें एक इस ट्रेलर देखने से मुझे तो वीरांगना फूलन देवी की याद आई, कैसे जब उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उनको न्याय नहीं मिला तो उन्होंने कैसे बंदूक उठाकर ठाकुर आरोपियों को, ठाकुर बलात्कारियों को मारा, तो वो मुझे ट्रेलर देख के ज़रूर वीरांगना फूलन देवी की याद आई। और इसकी प्रासंगिकता इतनी ज़्यादा है इस जो ये
टॉपिक है यौन हिंसा का, रेप का, खासकर जो शोषितों शोषित समाज की महिलाओं के साथ रेप होता है, क्योंकि अभी दिल्ली में दो घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसने देश को झकझोर के रख दिया है। एक हुई है दिल्ली में, दिल्ली कैंट के नांगल गांव में, एक त्रिलोकपुरी में, जहां नाबालिग बच्चियों के साथ यौन हिंसा हुई है। ऐसा दिल्ली जैसे राजधानी में हो रहा है। तो ये इस हम आशा करते हैं, जैसे रिंकू राजगुरु ने खुद कहा है एक्ट्रेस ने, कि ये इस बात पे एक बात कॉन्वर्सेशन, एक डिबेट और एक आग लाएगी, एक बदलाव ऐसा लाएगी कि इस जातिगत यौन हिंसा को ख़त्म किया जाए। तो उस पर ये मूवी हो सकता है काफ़ी अच्छी हो। तो हम वेट कर रहे हैं 20 अगस्त को जब आएगी, तो हम इन सब मुद्दों को देखते हुए उसका मूवी रिव्यू भी करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा लाइट्स कैमरा कास्ट में, और साथ ही में अभी तक आपने हमारे चैनल को द न्यूज़ बी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। जैसे ही ऐसी महत्वपूर्ण खबरें और विश्लेषण हम आपके लिए लाएं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में द न्यूज़ बी को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए, हम वहाँ भी सक्रिय रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैं रोहन कठपालिया, न्यूज़ बी के लिए यहाँ, जल्द मिलेंगे। शुक्रिया।